तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जरूर देखना, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको आने वाले एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग और फायदेमंद महसूस होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। जो चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन काउबॉय जय। पावर ऑफ प्लानिंग। अगर अच्छी प्लानिंग हो ना तो हम हमारे गोल को आसानी से और जल्दी अचीव कर पाते हैं। खुद का घर खरीदने के लिए एक अच्छा टाइम होता है हमारे कॉलेज टाइम या फिर जब हमारी नई नई जॉब लगती है। अब अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आपका ये टाइम पास हो चुका है, तो टेंशन मत लो, अभी स्टार्ट कर दो। शुभ काम में देरी किस बात की। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जब हमारे जेब में ज्यादा पैसे भी नहीं है, आप उस स्टेज में घर ढूंढने की बात कर गए। उसके ढेर सारे रीजंस है, चलो देखते हैं। अब घर खरीदना कोई आलू प्याज तो है नहीं भाई। हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है हमारे सबसे बहुत ही अहम चीज की, जिसे हम एवरी डे यूज करने वाले होते हैं। इसके लिए कितना अच्छे से जल्दी प्लानिंग करेंगे उतना अच्छा होता है हमारे लिए। नॉलेज इज पावर। जितना जल्दी हम प्रॉपर्टी सर्च शुरू करेंगे उतना हमारा नॉलेज बढ़ता है और उतना ही हमारा रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाता है। कॉलेज टाइम या नए नए जॉब लगने के बाद जब आप प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू करते हैं ना, तो आप अपने आप को उसे खरीदने के काबिल बनाना शुरू कर देते हैं वहीं से। कैसे, वो तो आप जब स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ, कॉलेज टाइम में अगर आपको पता चलता है कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आगे चल के आपको करनी है, तो आप आपके स्टडीज पे, आपके करियर पे अच्छे से फोकस करते हैं। इनफैक्ट आपका करियर चूज करने में भी आपको आसानी हो जाती है। और अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो आपके सैलरी का 50% हिस्सा आप सेविंग्स में डालना शुरू कर देते हैं प्रॉपर्टी सर्च करते वक्त, उसे खरीदने के लिए आगे चल के, ना कि कोई फिजूल खर्ची करने के लिए। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है गाइज। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आपको नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन लाल वाला जो है वो दबाना पड़ेगा अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन का ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो YouTube आपको मेरे आने वाले एपिसोड के सारे नोटिफिकेशंस भेज देगा। तब तक के लिए बस हंसते रहिए, हंसने से आपको आपका प्रॉपर्टी सर्च करने में और भी आसानी होगी।